हाय एरीज, मेष राशि, कैसे हैं आप सभी? आज हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए कैसी है, ठीक है? उनके अंदर क्या चल रहा है हम सब देखेंगे। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूं, सभी व्यूवर्स का मैं स्वागत करती हूं चैनल पर। अभी तक फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पर मिलेगी। और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डायरेक्ट मैसेज, डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स अलाउड नहीं है, पिक नहीं की जाती। आप मैसेज करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। और एक आपको मैसेज मैं पहले देना चाहती हूँ कि किसी भी तरह के डिसीजंस आप जर्नल रीडिंग के आधार पर मत कीजिएगा। अगर आप कोई डिसीज़न लेने जा रहे हैं तो उसके लिए आप एक बार पर्सनल रीडिंग ज़रूर कराइए। तो चलिए एरी, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय। एरीज के पार्टनर्स की फीलिंग्स, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं एरीज राशि वाले, उनके पार्टनर की फीलिंग। मून, फाइव ऑफ कप्स, हर्मिट, क्या बात है एरीज, आपके पार्टनर तो बहुत सैड हैं, बहुत बुझे हुए हैं। आप लोगों में क्या कोई सिचुएशन ख़राब हुई है? मुझे इस तरह की मैसेज मिल रही है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि आपके पार्टनर इस समय बहुत फ्रस्ट्रेट, या मैं कहूँगी बहुत उदास भी हैं। उनके ना इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट हो रहे हैं, बहुत सैड है, बहुत दुखी है वो इस समय। उनका समय बिल्कुल सही नहीं चल रहा है आपको लेकर के। वो बहुत दुखी हैं, बहुत याद करते हैं, नेगेटिविटी से घिर गए हैं कुछ ना कुछ। अभी यहाँ पर मुझे सिचुएशन दिख रही है, मे बी आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हों, लेकिन हाँ धीरे धीरे इस समय ना, मतलब या तो आप लोगों में लड़ाई हुई है, आप लोगों में एक दूसरे के साथ बहस हुई है, और किसी थर्ड पर्सन को लेकर के ये भी मुझे सिचुएशन यहाँ मिल रही है। किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप लोगों के बीच में सिचुएशंस ख़राब हो गई हैं और आप लोगों की बातचीत बंद हो गई है, जिससे कि बात बहुत बद से बदतर बन गई है। और वो अभी बहुत सैड फील कर रहे हैं, आपको मिस भी बहुत कर रहे हैं यहाँ पर, और आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। पर अभी ये सब जो सिचुएशंस चल रहे हैं, मे बी आपने उन्हें ब्लॉक कर रखा है, जिस वजह से कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और एस ऑफ कप्स से मुझे ऐसे भी दिख रहा है, मे भी वो चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मैं उन्हें बकायदा यहाँ पर रोते हुए देख रही हूँ कि आपके लिए इमोशंस में इतने बह रहे हैं, इतने इमोशंस उनके बाहर आ रहे हैं कि वो आपके लिए रो रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब वो अब क्या करें। वो अपने लिए जैसे कि कोई सहारा ढूंढ रहे हैं इस समय, कि कोई इनको इस सिचुएशन से बाहर निकाले। एरीज की एनर्जीज, एरीज की फीलिंग्स क्या है? ओके, ओहो, तो एरीज, ओके, तो एरीज देखिए, दुखी तो आप भी हैं कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है कि आप दुखी नहीं हैं। कुछ एरीज की तो यहाँ पर, मैं सभी की बात नहीं करूँगी, लेकिन हाँ कुछ एरीज की यहाँ पर रातों की नींद भी उड़ चुकी है कि उन्होंने ये क्या डिसीज़न लिया है। लेकिन यस, आपने ये डिसीज़न लिया है और हाईली चांसेस है कि आप ही की तरफ से ये डिसीज़न हुआ है। आपने उन्हें ब्लॉक कर रखा है, आप एक डिसीज़न ले रहे हैं और अब आप अपना फोकस बना रहे हैं सिर्फ अपने मनी पे, अपने वर्क एरिया पर। आप अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, अपने काम पर आपका फोकस ज़्यादा है और आप इसीलिए आपने ये डिसीज़न लिया है इस रिलेशनशिप को लेकर के। लेकिन आपके पार्टनर बहुत बुरी तरह से टूट गए हैं आपके इस डिसीज़न से, माय डियर। इवन इस सिचुएशन में आकर के वो अपने घर वालों तक को एक, जिसे कहते हैं ना कि इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं वो। सिर्फ आप ही के ही, अगर मैं शुद्ध हिंदी की बात करूँ तो आप ही के वियोग में डूबे हुए हैं वो। उन्हें नहीं पता उनके घर वाले क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उन्हें क्या समझा रहे हैं या कुछ कह रहे हैं, उनके फ्रेंड्स उनको क्या कह रहे हैं, बस वो दुख में हैं इस समय बहुत बुरी तरह। थैंक यू, ओके, यस।
तो एरीज़, यहाँ पर अगर मैं आप दोनों की रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ, तो अभी तो सिचुएशन जो है, आप जो है अपने पैंटिकल्स पर ही फोकस करने वाले हैं, आप अपने वर्क एरिया पर ही फोकस करने वाले हैं, क्योंकि जहाँ बात इस रिलेशनशिप को आ जाती है, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इससे भी ज़रूरी फ़िलहाल के लिए मेरे लिए कोई चीज़ है। मे बी आपके ऊपर या फिर आपके ऊपर या फिर आपके, देखिए यहाँ ना एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है। आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर अपने घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत पड़ी हुई है। मुझे ये आपकी तरफ से ऊर्जा ज़्यादा मिल रही है, लेकिन ये आपके पार्टनर की भी ऊर्जा हो सकती है। तो आप उसको पूरा करने में लगे हुए हैं, आपको पता है कि ये आपका फ़र्ज़ है और आपको अपने फ़र्ज़ को बखूबी निभाना है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आई हुई हैं, उनके लिए आपका स्टैंड होना कितना ज़रूरी है। दैट्स वाई कि आप अपने वर्क एरिया पर इस समय ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप के अलावा, ठीक है। आपका फोकस इसलिए आपके वर्क एरिया पर जाता है। ओके, चलिए एंजल्स की तरफ से आपके लिए एक मैसेज ले लेते हैं। एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं? नो, तो यस, और ये भी परमानेंट नो नहीं कहूंगी मैं ये जरूर कहना चाहूंगी। और आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक रिकंसिडर की भी एनर्जी आ रही है, तो कुछ लोगों को यहाँ पे अपने इस डिसीजन को लेकर के रिकंसिडर करने की ज़रूरत भी है, ठीक है। और यहाँ पे नो है, तो ये जो भी सिचुएशन है अभी, ये आगे बेहतर होने का यहाँ पे चांस नहीं नज़र आ रहा, जो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। अभी के लिए इसके लिए एंजल्स भी आपको नो ही कह रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, ठीक है एरीज। तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।